मम्मी देखो कौन आया है मम्मी देखो कौन आया है अरे बेटा शादी का कौन आया है हाय गाइस वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो तो गाइस जैसा कि आपने देखा शादियों का सीजन स्टार्ट हो चुका है मेरे घर तो शादी का कार्ड आ गया है आपके घर भी ज़रूर शादी का कार्ड आ गया होगा एंड हमेशा की तरह आपको शादी की पार्टी में बहुत अच्छा और सुंदर दिखना होगा अफकॉर्स सारी लड़कियों को ही बहुत अच्छा और बहुत सुंदर दिखना होता है तो शादियों के इस सीज़न में मुझे कैसा दिखना है इसके लिए तो मैं जा रही हूँ प्री प्लानिंग करने मुझे कैसी ड्रेस पहननी है कैसा मेकअप करना है कैसी ज्वेलरी पहननी है कैसा हेयर स्टाइल बनाना है ताकि मैं सबसे सुंदर दिखूँ और अफकॉर्स सारी लड़कियों को ही सबसे सुंदर दिखना होता है तो सोच क्या रहे हैं चलिए अरे ये किसका कॉल है ओ हाय क्या हुआ तूने इतना सड़ा हुआ मुंह क्यों बनाया है ये अभी एक महीने पहले ये ब्लाउज मैंने ठीक करवाया था अब मुझे शादी में जाना था तो मैंने ये ब्लाउज निकलवाया लेकिन ये फिर से मुझे छोटा हो गया मेरा भी कुछ पता नहीं चलता मैं कभी मोटी हो जाती हूँ कभी पतली हो जाती हूँ तो कुछ है बताना यार जिससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सके ओ, ओ, ओ रुक जा बस इतनी सी बात के लिए तूने इतना सड़ा हुआ मुंह बनाया है चला मैं तुझे एक आइडिया बताती हूँ तो गाइज़ ये वाली सिचुएशन तो सबने अपनी लाइफ में कभी ना कभी फेस की होगी हम इतने महंगे महंगे कपड़े स्टिच कराते हैं एंड जब पहनना होता है तो कभी वो छोटे हो जाते हैं कभी वो बड़े हो जाते हैं कभी वो टाइट हो जाते हैं कभी कभी वो लूज़ हो जाते हैं तो ये प्रॉब्लम तो हमेशा रहती है इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम कर सकते हैं गाइस कि हम जो है बेसिक जो क्रॉप टॉप्स होते हैं वो ले सकते हैं जैसा कि मैंने इस साड़ी लुक में पहना हुआ है वाइज आप सिर्फ क्रॉप टॉप ही नहीं आप कुछ हाईनेक भी प्लेन खरीद सकते हैं जिसे आप आराम से साड़ियों के साथ इस तरीके से जो है स्टाइल कर सकते हैं तो वाइज हम मार्केट में जाते हैं तो अच्छा ब्लाउज सिलने के लिए टेलर जो है बारह सौ से पंद्रह सौ के बीच में हमें चार्ज करते हैं एंड वो ब्लाउज़ हम सिलवा लेते हैं एंड जब पहनना होता है तो वो कभी हमें फ़िट नहीं आते तो कभी लूज़ आते हैं तो इट्स बेटर कि बारह सौ रुपये में हम छः क्रॉप टॉप खरीद ख़रीद सकते हैं अलग अलग स्टाइल के अलग अलग कलर्स के एंड उसे जब भी चाहें उसे पहन सकते हैं एंड क्रॉप टॉप की एक खास बात होती है कि वो थोड़े स्ट्रेचबल होते हैं तो हम अगर थोड़ा वेट पुट ऑन भी कर लेते हैं या अपना वेट कम भी कर लेते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती वो स्ट्रेचबल होता है तो ईज़िली फिट हो जाता है और हम कितने सुंदर लगते हैं क्रॉप टॉप के साथ कुछ भी स्टाइल करके तो क्रॉप टॉप के साथ आप साड़ी भी स्टाइल कर सकते हैं एंड उसे अदर वे में भी स्टाइल कर सकते हैं एंड जीन्स के साथ तो एज़ यूजल पहन ही सकते हैं तो आपने भी इस वेडिंग सीजन में सोच रखा है कि आपको साड़ी पहननी है लेकिन आपको इतने सारे पैसे नहीं देने हैं टेलर को कि वो एक ब्लाउज बना के दे और वो आपको बाद में छोटा या बड़ा हो जाए इट्स बेटर कि आप अपने साड़ी के मैचिंग का क्रॉप टॉप खरीदिए और उसे ईजिली बहुत लंबे टाइम तक पहनिए तो गाइज अब मैं फटाफट जा रही हूँ मुझे भी तो प्लानिंग करनी है

तो आप इस तरीके का हेयर एक्सटेंशन ख़रीद सकते हैं जो कि मार्केट में इजीली अवेलेबल है और अगर मार्केट में आप नहीं जाते तो ये ऑनलाइन साइट्स भी इजीली मिल जाते हैं आपको अमेजोन पे मिल जाएगा फ्लिपकार्ट मिल जाएगा एंड मीशो पे मिल जाएगा एंड इजीली आपको टू हंड्रेड रुपीज़ में आप कहीं से भी ख़रीद सकते हैं तो मैंने इसे कुछ इस स्टाइल में ख़रीदा है जो नीचे से करली हैं क्योंकि मेरे बाल जो हैं वो करली हैं एंड ये कुछ इस तरीके के पिंस के साथ अटैच आता है इसमें फ़ाइव पिंस लगे हुए हैं एंड ये ईज़िली ओपन हो जाता है एंड ईज़िली बंद हो जाता है तो बस आपको इसको इस तरीके से अपने बालों में फिक्स कर लेना है तरीके से कुछ फिस फिक्स हो जाएगा एंड जो ऊपर के बाल हैं वो नीचे आ जाएंगे एंड ये आपके जो है हेयर्स रेडी हो जाएंगे आप चाहें तो इसके अच्छे से चोटी कर सकते हैं या फिर चलो मैं आपको खोल के ही दिखा देती हूँ तो कुछ इस तरीके से ये आपके बालों के साथ मिक्स हो जाएगा तो आप इसे इजिली चाहे तो इसका ऐसे बन बना सकते हैं जो कि काफ़ी मोटा लगेगा आप इस तरीके का मोटा और मैशी बन बना सकते हैं इसे खोल के तो रखा ही जा सकता है कोर्स इसे खोल के अच्छे से स्टाइल करें तो ये खुले हुए भी बहुत प्रिटी लगेंगे। एंड कमाल की बात यह है कि किसी को पता ही नहीं चलेगा कि आपने नकली हेयर्स लगाए हैं तो बस आपको करना क्या है कि आपको शेड वही लेना है जो आपके हेयर कलर के साथ जो है वो मैच करें तो है ना ये एक कमाल की चीज़ तो गाइज इस तरीके का हेयर एक्सटेंशन आप ख़रीद सकते हैं मैं भी यहाँ आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगी जहाँ से आप इजीली जाके इस तरीके का हेयर एक्सटेंशन ख़रीद सकते हैं एंड ये सच में जिनके हेयर हल्के हैं ना उनके लिए कमाल की चीज़ है तो गाइज अब बहुत देर हो चुका है अब मुझे भी तैयारी करनी है मैं तो चली अब तुझे क्या प्रॉब्लम है तूने दोबारा फिर से क्यों कॉल किया तू मुझे तैयारी नहीं करने देगी है ना यार देखियो पिछली शादी में मैंने यही पहना था और इस शादी में मुझे यही पहनना पड़ रहा है सेम सेम मैनों की सब यही बोलेंगे कि तू पिछली शादी में भी यही पहन कराई थी फिर यही पहन करा गई तो इसका कुछ जुगाड़ बता ना जिससे ये न्यू और नए स्टाइल का लगे और लोगों को पता भी ना चले कि ये पिछली शादी में पहन कराई बात तो ये बिल्कुल सही कर रही है लड़कियों की ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि उनके पास पहनने के लिए कभी कुछ नहीं होता है एंड जो भी कुछ होता है हमें देख के ऐसे ही लगता है यार ये तो हमने पहन लिया ये तो हमने पहन लिया कहीं कोई ये ना कहे कि अरे यार ये लड़की तो यही वाली कपड़े तो पिछली वेडिंग पार्टी में भी पहन कर आई थी और इस बार भी यही पहन कर आ गई है तो ये बहुत बड़ी दिक्कत की बात होती है हम लड़कियों के लिए तो हमें क्या करना है अपने जितने भी पुराने कपड़े हैं ना उनको निकाल के बाहर करना है तो जितने भी हमारे पुरा पुराने लहंगे हैं फ्रॉक सूट्स हैं एंड कुछ स्टाइलिश टॉप है तो उनको निकाल के बाहर करके हम उनसे कुछ स्टाइलिंग कर सकते हैं जैसे कि मैंने ये वाला स्टाइलिंग किया है ये मेरा लहंगा बहुत पुराना है और ऐसे ही मुझे मिल गया था तो मैंने उसके साथ इस तरीके की स्टाइलिंग की है तो आप भी इसी तरीके के जो है स्टाइलिंग कर सकते हैं अगर आपके पास कुछ पुराना आपका बहुत पुराना लहंगा वहंगा पड़ा है या फिर स्कर्ट पड़ा है तो इस तरीके की स्टाइलिंग आप कर सकते हैं आप मैचिंग का भी पूरा कर सकते हैं एंड कॉन्ट्रास्ट में भी कर सकते हैं मैंने ये पूरा मैच मैच किया है क्योंकि मेरे पास एक पिंक कलर का आ, क्योंकि मेरे पास ये पिंक कलर का जो है एम्ब्रॉयडरी वाला था एंड मेरे पास एक पिंक कलर का प्लेन था तो मैंने उन दोनों को मिक्स एंड मैच करके पहन लिया एंड स्टाइलिंग के लिए मैंने उसके साथ एक बेल्ट एड ऑन कर दिया अगर आपके पास भी स्टाइलिंग के लिए कोई बेल्ट वगैरह नहीं है तो फटाफट से मार्केट जाइए और स्टाइलिंग करने के लिए इस तरीके के स्टाइलिश बेल्ट जो है वो खरीदिए अराउंड आपको टू हंड्रेड रुपीज़ में या वन फिफ्टी रुपीज़ में मिल जाएगा एंड ये गाइस ये वाले बेल्ट जो हैं स्टाइलिंग के बहुत काम आते हैं तो अब मेरा इससे पीछा छूटा है और मैं भी जाके अब प्री प्लानिंग कर लेती हूँ ताकि ताकि मैं भी वेडिंग पार्टी में सबसे सुंदर ब्यूटीफुल और क्यूट क्यूट लगूँ तो गाइज़ आप भी जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेंबर्स के साथ इसे ज़रूर शेयर करें सो so दैट उनको भी हेल्प मिल जाए अब तो गाइज़ मिलते हैं आप अपने अगले इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए बाय